नागपुर महानगर पालिका के प्रभाग 22 के नगर सेवक इन दिनों लापता है। ऐसे बैनर प्रभाग 22 में लगाया गया है। ये बैनर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा लगाया गया है, जिसमें नगर सेवकों को ढूंढकर लाने वाले पर 11 रुपए का इनाम भी रखा गया है। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति शहर में गरमाते जा रही है। इसी बीच नागपुर महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 22 में एक बैनर लगाया गया है, जिसमें सभी 4 नगर सेवकों को लापता बताया गया है, जिन्हें ढूंढकर लाने वाले को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा 11 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। आज जो है प्रभाग मध्य महाराष्ट्र नवनिर्माण मध्य नागपुर तरफ से प्रभाग 22 में जो आंदोलन रखा है, और यह आंदोलन का रखते हुए यहाँ पे जो प्रभाग 22 में 4 ही नगर सेवक ने काम तो किया नहीं है, 4.5 साल से लापता है, 4.5 साल से लापता है, और इन्होंने 4.5 साल में कोई भी प्रभाग में काम किया नहीं, इसलिए हमने आज लापता गुमशुदा हो गए 4 ही नगर सेवक, इसलिए हमने ये बोर्ड लगाया है, और जो भी उनको लापता यानी पकड़ के लाएंगा, शोध यानी शोध के दिखाएंगा, उनको हम 11 रुपये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तरफ से पारितोषिक देने वाले हैं।